नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो काम किया गया है, बहुत ही अच्छी ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है, इसका पूरा काम को मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं और आप बहुत कुछ सीख सकते हो इस बनते हुए घर को देखते हुए। इस घर का साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 40 फीट बाई 40 फीट मतलब 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। जहाँ पे आपको इस घर का जो साइड एलिवेशन है वहाँ पे भी कुछ अच्छा काम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस घर का जो खिड़की का डिज़ाइन है उसे आप देख सकते हो कि नीचे में 20 से 22 इंची के आसपास में स्लैब निकाला गया है, 2 सर्कुलर शेप का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके ऊपर में देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन के साथ में इस घर का जो खिड़की है उसका विंडो सनसेट जो है उसका काम किया गया है। थोड़ा और ऊपर चलते हो तो आपको ये पट्टी का डिज़ाइन मिल जाता है जिसे ईंट के द्वारा ही बनाया गया था। इस पे जो डिफरेंट कलर का उपयोग होगा उसके बाद इस घर का जो लुक है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इस घर का वीडियो पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हो कि पहले किस तरीके से ढलाई किया गया, किस तरीके से प्लास्टर किया गया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करते हुए इस घर का और भी आप वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन का बात कर लिया जाए तो देख सकते हो कि ऊपर में स्लोप डिजाइन के साथ में नीचे में कुछ इस तरीके से काम किया गया है और 10mm का जो स्क्वायर वाला सरिया आता है उसके साथ में यहाँ पे ग्रिल का इस्तेमाल है वो किया गया है। सामने की तरफ 3.5 फीट के आसपास का निकला हुआ छज्जा है और सपोर्ट के लिए कैंटिलीवर जो बीम होता है उसका भी यहाँ पर सपोर्ट लिया गया है। छज्जा में लाइट वगैरह देख सकते हो और छत के ढलाई के बाद में आप देख सकते हो 3 से 4 रद्दा का जोड़ाई यहाँ पे किया गया है। इसके ऊपर में स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का उपयोग किया जाएगा या फिर एक सुंदर सा पैरापेट वाल का डिज़ाइन भी आपको आने वाले दिन देखने को मिल सकता है। यह इस घर के लिए मेन एंट्रेंस और उसके सामने की तरफ देखिएगा तो छज्जा निकालते हुए ये स्टेप डिज़ाइन का कुछ सहारा लिया गया है, बिट डिज़ाइन बनाया गया है ताकि डिफरेंट कलर का उपयोग करते हुए इसका लुक को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया है जहाँ पे क्लेरोप का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो छप्पर आता था पहले उसी का मॉडिफाई वाला वर्जन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इधर आपको विंडो का सपोर्ट मिल गया, उधर भी एक विंडो का सपोर्ट आपको मिलता है। बीच में मेन एंट्रेंस है, ये सीढ़ी बनाया गया ताकि घर का जो ऊँचाई है उसको आसानी के साथ यहाँ पर यूज़ किया जा सके, चढ़ने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। और इस तरीक़े से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है, आप इजीली देख सकते हो। एक सुंदर सा 40 फीट बाई 40 फीट पे बनता हुआ ये घर है। मैं इसका फुल लुक एक बार मैं दिखाऊंगा कॉर्नर व्यू से, बिल्कुल अल्ट्रा वाइड एंगल से, ताकि आप लोग को समझने में देखने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देख सकते हो मैं अल्ट्रा वाइड एंगल से आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि एक बार मैं आप पूरा घर को देख पाए, साइड एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन को। और किसी भी मिस्त्री को अगर आप इस वीडियो को दिखा देते हो तो आसानी के साथ आपके लिए इससे मिलते जुलता डिज़ाइन वो बना सकता है। दोस्तों, इस घर का वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया हुआ था, जैसे कि इस घर का छत का ढलाई तक कितना रुपए का खर्चा आया, प्लास्टर तक का काम कराने में कितना रुपए का खर्चा आया, किस तरीक़े से अंदर में 4 बेडरूम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। अगर पूरा डिटेलिंग वाला वीडियो भी आप देखना चाहते हो पहले से ही अपलोडेड है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर एक लिंक पर क्लिक करते हुए इजिली इस घर के बारे में पूरा कुछ जान सकते हो। तो देखना चाहते हो तो जाइए और देखिए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।